अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम मक्का। आज हम एक कोई सस्ता होटल ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने इस होटल से चेकआउट कर देना। मैं आपको अपना होटल दिखा देता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी डील के अंदर मिल गया था। ये होटल है, इसके बाहर का व्यू लैंड प्रीमियम होटल, 4-स्टार होटल है और कोई इस तरह का है। तो चेकआउट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यार मुझे ना ये तकरीबन 125 रियाल के अंदर पर नाइट मिला है, बट क्योंकि कल से रमज़ान शुरू हो रहा है तो इसकी जो एक नाइट है वो तकरीबन 450 रियाल के आसपास है, तो जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो शहर अल खलील है ना, वहाँ जा कर जनाब कोई 200 के आसपास, 150 के आसपास जो है होटल हम लें। इसकी ये रिसेप्शन है, बहुत बड़ी और खुली रिसेप्शन है। और ये देखें, दरमियान में एक मराकश में इस तरह का मैंने देखा था कि दरमियान में एक ओपन स्पेस होती है, वो ऊपर था। और इस तरह रिसेप्शन है और बैठने की जगह बड़ी है, लॉबी बहुत बड़ी है। ये देखें, इसका जो चेक इन टाइम है वो है 4 बजे, तो लोग जो पहले आ गए हैं वो 4 बजे तक वेट करते हैं। और इस तरफ लिफ्ट्स हैं, 5-5 लिफ्ट दोनों तरफ हैं। और इस तरफ आपको छोटी छोटी शॉप्स भी नज़र आएंगी, परफ्यूम वगैरह की, बच्चों के टॉय, तस्वीरें और जाय नमाज। और इस तरफ छोटी सी ग्रॉसरी शॉप ही है। ये होटल के अंदर का ही व्यू है ना। और ये देखें लॉबी कितनी बड़ी है यार। और ये देखें लोग अंदर भी सो रहे हैं उस तरफ ना। और यहाँ आपको वही शॉप, टॉय शॉप है, बच्चों के चीज़ें हैं। और इस तरफ आपको जो है सैलून नज़र आएगा। तो जी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने का होटल मिलता है और कहाँ आपको होटल लेना चाहिए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन क्योंकि अकेला हूँ तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा बजट के अंदर रहते हैं। लेकिन होटल फाइंड करने से पहले ना, मैं आपको अपना जो मेरा रूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिफ्ट के साथ ऊपर चलते हैं, ये लिफ्ट खुल गई, तो इसके साथ ऊपर चलते हैं और मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। 9th फ्लोर के ऊपर मुझे मिला, ये था जी मेरा होटल जिसको मैंने कल चेकआउट करना है। और बिल्कुल ज़बरदस्त होटल था यार, बहुत कंफर्ट था, एसी वगैरह भी बहुत अच्छा था। और यहाँ से व्यू कुछ ख़ास नहीं था, बिकॉज़ यहाँ से कुछ ऐसा सीन था, इमारतें ही हैं या कुछ, शायद ये दरमियान में लोकल लोगों के घर हैं, मे बी, आई डोंट नो। और सामने आपको कुछ माउंटेन नज़र आ रही होंगी। तो मेरा जो सामान है वो देखें बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, और इस तरफ लॉकर वगैरह भी था सेफ, और नीचे ये फ्रिज है, और इस तरफ बाथरूम था। बड़ा साफ़ सुथरा था और बहुत मैंने इन्जॉय किया 3 दिन ना। बहुत सुबह से शाम तक जब मैं घूम के आता था तो बहुत रिलैक्स फील करता था यहाँ जब आके सोता था ना। तो आज मैंने ये चेकआउट कर देना है, बल्कि नहीं सॉरी, कल मैंने ये चेकआउट कर देना और आज फिर हम जाके कुछ नया ढूंढते हैं सस्ता बजट के अंदर। जैसे ही होटल से निकलते हैं वो सामने हमें हरम मस्जिद के मीनार नज़र आने लग जाता है, तो वो सामने ही है, तो इतना दूर नहीं है, 5 से 10 मिनट लगते हैं वॉक के। जोहर की अजान हो रही है, रश बड़ा है इस एरिए में, हर जगह रश है भाई। सुबह की नमाज के बाद और आई थिंक असर की नमाज के बाद ये जो रोड के ये वाली साइड्स है ना, इसके ऊपर जनाब साहब लोग अपना सामान बेच रहे होते हैं। इधर ही नीचे ही कपड़ा बिछाया होता है, कोई चाइना की घड़ियाँ बेच रहे होते हैं, कोई साफे, कोई वो जो अरबी लोग पहनते हैं तोप कहते हैं, चोगा कहते हैं, वो बेच रहे होते हैं, परफ्यूम और जिस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, ये पूरी लाइन इस तरह लगी होती है लोगों के लिए, क्योंकि अभी गर्मी है तो इस वजह से ये जगह खाली है। ये है इब्राहिम अल खलीली रोड अल मशहूर, और आगे जाके इसके कबूतर चौक आ जाता है, वो भी बड़ा पाकिस्तानी में मशहूर है। और यहाँ से हम हरम से निकले हैं और ये तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होती है, तो कहते हैं इसके लास्ट के अंदर जाके जनाब जो होटल हैं वो थोड़े से कम प्राइस के अंदर हैं। तो मैं भी आज जाके कोई हंट करता हूँ कि अल्लाह करे कि मुझे भी कोई मुनासिब रेट के अंदर होटल मिल जाए। अभी जोहर की नमाज़ पढ़ के लोग निकले और इस
रोड के ऊपर आपको टैक्सियाँ भी नज़र आएंगी जो मोस्टली जद्दा जा रही हैं। जद्दा एयरपोर्ट नहीं जाती, वो स्पेशल करवानी पड़ती है, बट जद्दा शहर जाती हैं। ये है जी अल मशहूर कबूतर चौक। अभी क्योंकि लोग चल रहे हैं तो कबूतर जो हैं ये छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये शायद छतरियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, और एंड के ऊपर जा के देखते हैं। इस रोड के एंड के ऊपर हिजरा रोड भी है, वहाँ भी कहते हैं कि होटल और ज़्यादा सस्ते हैं, बट हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कहीं आसपास देखते हैं कोई अच्छा होटल हमें मिल जाए। और ये ऊपर है क्लॉक टावर, ये इसके बिल्कुल नीचे है, और आगे से बाज़ार भी शुरू हो जाता है। सारा चाइना माल यहाँ से आपको मिल जाता है। यार इस तरफ देखो छाँव है और इस तरफ धूप है। धूप वाली रोड इतनी ज़्यादा रश नहीं है उस पर, और छाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, उधर दरमियान में चलना बहुत मुश्किल है। तो इस तरफ जनाब साहब ये जहाँ एंड होती है ना रोड, इब्राहिम अल खलील रोड जो है, वहाँ फ़लस्तीन होटल है। ये आप एक तरह से निशानी रख लें, और वहाँ से आई थिंक हिजरा रोड स्टार्ट हो जाता है। ये देखें इब्राहिम अल खलील शाहरा, और इस तरफ आपको सारी शॉपिंग एरिया नज़र आता है। ये चाइना मॉल, चाइना मॉल है। रात के टाइम तो और ज़्यादा रश हो जाता है, अभी क्योंकि धूप है तो इस वजह से लोग बस नमाज़ पढ़ के अपने अपने होटलों में या खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ ये एक दुकान आई है, यहाँ हर मॉल जो है ना 3 रियाल का है, सब चाइना मॉल है। यहाँ से मिला है होटल, होटल 2, ये पाकिस्तानी लाहौर होटल के बिल्कुल साथ है। यहाँ से रूम मिल गया 200 रियाल पर नाइट पे सेपरेट। मैं अब आपको रूम दिखाता हूँ। तो ये रूम है जी, बहुत बेसिक सा रूम है, खुला रूम है। एक्चुअली ये 5 लोगों के लिए है, बट मैंने ये पूरा रूम ही 200 रियाल में ले लिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि मतलब आपको अकेले नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर यहाँ आप 3 लोग हों तो कितना ज़बरदस्त माहौल है, बट अभी मैं अकेला ही इसको बेयर कर रहा हूँ। लेकिन एनी हो कोई बात नहीं। तो जी ये है जी, हमें सस्ता रूम मिला है।